गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला पढ़ें। हम ये देखेंगे कि बीटा की किन वैल्यूज के लिए हमें सर्कल मिलता है, किस वैल्यू के लिए इलिप्स मिलता है, किन वैल्यूज के लिए पैराबोला मिलता है और किस वैल्यू के लिए हाइपरबोला मिलता है। जब हमने पिछली वीडियो में कोनिक सेक्शन डिस्कस किया था, तब हमने कहा था कि इन बीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट कोनिक सेक्शन मिलेंगे। ये सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला ये स्पेसिफिक केस हैं कि बीटा की किन वैल्यूज के लिए हमें ये मिल रहे हैं। कोनिक सेक्शन क्या होता था? किसी भी प्लेन और इस कोन की इंटरसेक्शन को हम कहते थे कोनिक सेक्शन। तो सबसे पहला केस, केस वन, व्हेन बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, व्हेन बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब बीटा 90 डिग्री है, That means आप देख सकते हैं कि प्लेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो आपको कौन सा सेक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? सर्कल। सो व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, द सेक्शन इज अ सर्कल। नाउ केस टू, व्हेन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो हमें क्या मिलेगा? आप यहां से देखिए, जब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी और 0 डिग्री से अधिक होगी, दैट मींस ये प्लेन कैसा होगा? समवॉट टिल्टेड, इजंट इट? तो हमें जो फिगर मिलेगा उसे हम कहते हैं इलिप्स। तो ये क्या है? दिस वन, दिस इज इलिप्स। आप देख सकते हैं यहां पे कि बीटा किसके किसके बीच में है, 0 और 90 डिग्री के बीच में, दैट मींस ये जो बीटा है वो एक्यूट एंगल है, इजंट इट? तो ये जो प्लेन होगा समवॉट टिल्टेड होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, तो जो फिगर हमें मिलेगी उसे हम कहते हैं इलिप्स। सो व्हेन बीटा इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री द सेक्शन ऑब्टेंड इज इलिप्स। नाउ केस थ्री, When beta is equals to alpha, जब beta alpha के equal होगा तो ये कौन सा angle है? ये alpha है। तो जब beta alpha के बराबर होगा तो आपको कैसा figure मिलेगा? Like this। ये देखिए, ये जो angle है वो है beta और ये है alpha। तो that means क्या है? ये जो plane है वो generator के parallel है। तो इस case में ये जो plane है वो सिर्फ upper nap को ही cut करेगा। तो इस तरह से जो आपको फिगर मिलता है उसे हम कहते हैं पैराबोला, व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा द सेक्शन ऑब्टेंड इज कॉल्ड पैराबोला, द सेक्शन ऑब्टेंड इज कॉल्ड पैराबोला। और अगर आप देखिए, अगर हम बीटा को अल्फा से कम करें, दैट मींस अब आप देख सकते हैं कि ये लोअर नेप को भी इंटरसेक्ट करेगा, इजंट इट? तो उस केस में जो फिगर मिलेगा उसे हम कहते हैं हाइपरबोला। और वो फिगर कैसा होगा? सो केस डी, व्हेन बीटा इज लेस देन अल्फा, तो जब बीटा अल्फा से कम होगा तो हमें जो फिगर मिलेगा उसे हमने कहा हाइपरबोला। So the section obtained is called hyperbola. अगर आप roughly draw करें तो आपको circle कैसा मिलता है? Like this. ये इसका center है। आपको ellipse कैसा मिलेगा? Like this. ये इलिप्स है। आपको पैराबोला कैसा मिलेगा? लाइक दिस, ये पैराबोला है। और आपको हाइपरबोला कैसा मिलेगा? लाइक दिस। और आपको हाइपरबोला कैसा मिलेगा? लाइक दिस। ओके, तो ये हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स और सर्कल के रफ स्केचेज हैं।
जिन्हें हम यूज करेंगे। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे बीटा के डिफरेंट एंगल के लिए हमें डिफरेंट कोनिक सेक्शन मिलते हैं, और आपने कुछ कोनिक सेक्शन को पढ़ा जैसे कि सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला।